आइए तो मैं सबसे पहले कोफ्ते का जो स्टफिंग है वो हम लोग कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूं। इधर मैंने इस साइज़ के कटहल को लेके और एक आलू मीडियम साइज़ का लेके मैंने इसको बॉईल कर लिया है। कुकर में आप सीटी लगा सकते हैं, जब भी आप कुकर में सीटी लगाएं तो मैं आपको बता दूं कि एक ड्रॉप उसमें सरसों का तेल या आप उसमें रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि कटहल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं और ये अलग अलग रहेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हाँ, हम लोग इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू, ये भी मैंने बॉयल किया हुआ है, इसको हम लोग मैश करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए गाइस, इस तरीके से कटहल आपका एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, हम लोग सारा मैश कर लेंगे पहले। जब ये अच्छी तरीके से आप मैश कर लें तो मैंने इधर देखिए प्याज को मैंने इस तरीके से लंबे लंबे से कट कर रखे हैं। दो ग्रीन चिली चॉप की हुई है और ये थोड़ा सा धनिया का पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, ये मैंने चॉप करके रखी हुई है। ये सब इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। और इधर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया हुआ है, ये देखिए हम लोग एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक, इधर देखिए स्वाद अनुसार नमक होना चाहिए, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें हम लोग डालेंगे फॉर टेस्ट। आप ये जो कोफ्ते की पकौड़ी है जो ये, इसको आप लोग ऐसे भी नॉर्मल बना के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब हम मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, इसे ये बहुत टेस्टी लगता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे और हम लोग एक थिक सी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। ये देखिए गाइस, मेरी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम लोग इसको 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हो गए हैं। देखिए मैंने स्टफिंग में कोई पानी नहीं डाला था, आप पानी देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपने से ही बाइंड आप कर सकते हैं। उसमें ही जो हम लोग नमक देते हैं और आलू से ही ये बाइंड हो जाता है। ये पूरा पूरा एक्सेप्शनल है। अगर आपके पास घर में मलाई हो तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, कोफ्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, बिना मलाई के भी ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी हम लोग इसमें चीनी डाल रहे हैं। चीनी से क्या होता है कि जो कटहल का जो टेस्ट होता है वो उसको थोड़ा सा सप्रेस करता है, ताकि जब आप खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कटहल का कोफ्ता है। अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ की सहायता से हम लोग मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद ही हम लोग इसकी बॉल्स बनाएंगे। देखिए गाइस, मैंने इसमें मलाई में मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था एक। अब हम लोग इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए मैंने इधर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल को पहले हम लोग थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा लेंगे और थोड़ा सा ऐसे बॉल उठाएंगे और इसको छोटी छोटी बॉल्स, जैसे कि आप कोफ्ते में पसंद करते हो उस तरीके की बॉल्स बना के हम लोग एक साइड कर देंगे। मैं आपको यहीं पे एक टिप्स देना चाहती हूँ कि ये बॉल्स बना के आप 5 मिनट के लिए, जब तक आपका ऑयल कढ़ाई में गर्म होगा तब तक हम लोग इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये सेट हो जाता है और जब आप कढ़ाई में इसको बनाएंगे कोफ्ते की बॉल्स को, तो वो चिपकेगा नहीं और वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। कि गाइस, मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं कोफ्ते के। अब हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ा दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। जब तक हमारे बॉल सेट होते हैं तब तक हमारा सरसों का तेल एकदम रेडी हो जाएगा फ्राई करने के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने फ्रिज में से अब मेरे सारे जो कोफ्ते हैं वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं। इसको हम लोग साइड में कर लेंगे और हम लोग एक एक करके तेल में डालना शुरू करेंगे। तेल हमारा हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। और गैस को मीडियम कर दीजिए और धीरे धीरे जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं उस तरीके से आप इसको बना लेंगे। देखिए गाइस, 2 मिनट हुए हैं और मैं इसकी मदद से हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको मतलब
हर्ट नहीं कर सकते हम। तो इस तरीके से हम लोग इसको, मैंने देखिए पलट दी है। गाइस जो हमारे कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। गैस को एकदम सिम रखिएगा और इसको हम लोग अच्छी तरीके से, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से, इनको जो आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो रहे हैं, और एकदम सिम रखने के लिए ताकि ये अंदर तक एकदम पक जाए। जो अंदर की स्टफिंग्स मैंने दी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाए, इस वजह से हम लोग इसको कम करेंगे। अब ये देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। सारे पकौन जो हमारे कोफ्ते हैं उनको निकाल के हम लोग साइड कर देंगे और 5 मिनट के लिए रुकने के बाद हम लोग बाकी के बॉल्स डालेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इस समय ऑयल का बहुत ज़्यादा होता है। आप गैस को बंद कर दीजिए ताकि थोड़ा डाउन हो जाए, तो ये तुरंत चिपक जाते हैं, इसलिए 5 मिनट के बाद आप डाल सकते हैं। मैं आपको टिप्स के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके बिल्कुल भी कोफ्ते बहुत ही अच्छे एकदम मलाई कोफ्ते की तरह आपको लगे। कि गाइस मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, अब हम लोग ग्रेवी रेडी करेंगे इसकी। गाइस ग्रेवी के लिए देखिए मैंने गैस ऑफ़ कर दी है। गैस ऑफ़ करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेल बहुत गर्म था इसलिए। तो इधर मैंने बस 2 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल डाला है, आप रिफाइंड में बना सकते हैं। और इधर मैंने प्याज को, एक मीडियम साइज़ के प्याज को क्रश कर लिया है, और इधर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 2-4 हरी मिर्च पीस ली है ग्रेवी के लिए। और इधर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, मैं आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले हम लोग 4-5 लौंग, 2 इलायची, कुछ तेज़पत्ता गैस डालेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ यूनिक बना रही हूँ, बट मैं आपको एक एक टिप्स देते हुए बना रही हूँ। जब हमारी, आप देखेंगे कि लौंग और इलायची, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जब इस तरीके से फूल जाए तो आप गैस को कम कर देंगे। और अब हम लोग इसमें जो हमारा अनियन का पेस्ट था उसको डालेंगे, और इसको अच्छे तरीके से पलाएंगे। और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। हम आप कहते हैं जब हमारा प्याज में से तेल निकलने लगे तो हम लोग इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी हल्दी, इतनी सी नहीं इतनी सी हल्दी, थोड़ी सी थोड़ा सब्जी मसाला, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमारी पकौड़ी में है तो बस हम लोग ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे। और थोड़ा सा रोस्टेड ये जीरा पाउडर है, क्यूमिन पाउडर, उसको भी डालेंगे। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से चला देंगे। जब हमारा मसाला एकदम अच्छे से पक जाए तब हम लोग इसमें हमारी टमाटो प्यूरी है वो ऐड करेंगे। इसको हम लोग 5 मिनट के लिए रेडी होने देंगे। अब हम लोग इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए गाइस इसमें बॉयल आ गया है अच्छे का। अब हम लोग इसमें हमारे जितने कोफ्ता हैं उनको ऐड करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए गाइस मैंने सारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम लोग गैस एकदम हम लोग कम कर देंगे और इसको हम लोग 5 मिनट के लिए रख देंगे इसमें। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे, हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम लोग जब 5 मिनट हो जाए तो इसमें हम लोग थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे। मलाई ऐड करना बहुत एक्सेप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। हम
हाँ तो गाइज मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, इसलिए हम लोग गैस ऑन कर लेंगे, तड़का पैन ले लेंगे और मैं इसमें देसी घी का तड़का लगाती हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं, पर देसी घी का बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे इस तरीके से। जब जीरा हो जाए तो हम लोग इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हाजमा भी अच्छा रहता है और क्योंकि कटहल का कोफ्ता है। अब हम इसमें 2 रेड चिलीज डालेंगे।